और इंसान मिल जाएंगे भगवान तेरे द्वार पे पुकारता हो। ओम शांति। आज 21 जनवरी 2024 के प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य और रिवाइज डेट है 18 जनवरी 1998। आज के दिन को ब्राह्मण परिवार में विशेष अव्यक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए 18 जनवरी को, उसके बाद पहली बार दादी गुलजार में बाप दादा की पधरामणी हुई थी, इसलिए आज के दिन को विशेष अव्यक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज की मुरली विशेष 18 जनवरी पर चली है, तो विशेष आज बाबा ने वरदान दिए बच्चों को कि समान भव, संपन्न भव, संपूर्ण भव, और उसके लिए पुरुषार्थ व साधन बताया कि सदा स्नेह के सागर में समाए रहो। बाबा कहे, स्नेह ऐसी शक्ति है जो सब कुछ भुला देती है, न देह याद आती, न देह के दुनिया याद आती। स्नेह मेहनत से छुड़ा देता है, जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत नहीं होती। और स्नेह की विशेष अनुभूति बताई कि स्नेह सदा सहज बाप दादा का हाथ अपने ऊपर अनुभव कराता है। बाबा का स्नेह छत्र छाया बन माया जीत बना देता है। कितनी भी बड़ी समस्या रूपी पहाड़ हो, स्नेह पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देता है। इसलिए बाबा कहे, और कोई पुरुषार्थ न भी करो, लेकिन सदा स्नेह के सागर में समाये रहो, तो बाकी सब पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। और कहा, बच्चों को ब्राह्मण जन्म के आदि का अनुभव भी यही रहा कि स्नेह ने ब्राह्मण बनाया, स्नेह ने परिवर्तन कराया, स्नेह ने विशेष आकर्षित कर बाप का बनाया। इसलिए बाबा कहे, मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन है सदा स्नेह में समाये रहो। मेहनत से मुक्त होने की और विधि बताई कि कोई भी कार्य करो तो डबल लाइट होकर करो। फिर कहा, अभी समय प्रमाण सबको बेहद के वैराग वृत्ति में जाना ही होगा। समय के अनुसार तो सारे विश्व की आत्माएं बदलेंगी, लेकिन आप बच्चे समय का इंतजार नहीं करो, समय को शिक्षक नहीं बनाओ। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के इन अनमोल मधुर महावाक्यों को विस्तार से। आज की अव्यक्त मुरली का सार है, साकाश देने की सेवा करने के लिए लगाव मुक्त बन, बेहद के वैरागी बनो। आज बाप दादा कहे, आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे अपने दिल के स्नेह को बाप दादा के अर्थ अर्पित कर रहे हैं। सर्व बच्चे के स्नेह के मोतियों की माला बाप दादा के गले में पड़ती जा रही थी। आज के दिन एक तरफ स्नेह के मोतियों की माला, दूसरे तरफ मीठे मीठे उल्हानों की मालाएं भी थी। लेकिन इस वर्ष उल्हानों में अंतर देखा। पहले उल्हाने होते थे, हमें भी साथ ले जाते, हमने साकार पालना नहीं ली। इस वर्ष मेजॉरिटी का उल्हाना यह रहा कि अब बाप समान बन आपके पास पहुंच जाए। समान बनने का उमंग उत्साह मेजॉरिटी में अच्छा रहा। समान बनने की इच्छा बहुत तीव्र है, बन जाए और आ जाए यह संकल्प रूह रिहान में बहुत बच्चों का रहा। बाबा कहते हैं, अब तक तो बच्चे क्या उल्हाना देते थे कि बाबा हमको भी आपकी साकार पालना मिलती, हम भी आपके साथ होते। लेकिन अब बच्चों की रूह रिहान में फर्क था कि अब हम भी बाप समान बन जाए। बाबा कहे, बाप दादा यही बच्चों को कहते हैं, समान भव, संपन्न भव, संपूर्ण भव। बाप दादा यही बच्चों को कहते हैं, समान भव, संपन्न भव, संपूर्ण भव। इसका साधन सदा के लिए बहुत सहज है। सबसे सहज साधन है सदा स्नेह के सागर में समा जाओ। जैसे आज का दिन स्नेह में समाये हुए थे और कुछ याद नहीं था, सिवाय बाप दादा के और कुछ याद रहा? बाबा कहते हैं, 18 जनवरी पर विशेष क्या याद रहता है? बाप दादा और अपनी मगन स्थिति में रहते हैं। एकदम मौन की स्थिति में रहे, बाप दादा की अव्यक्त पालना का विशेष अनुभव करते, बस उठते बैठते स्नेह में समाये रहे, चलते फिरते क्या याद रहा? ब्रह्मा बाप के चरित्र और चित्र, चित्र भी सामने रहा और चरित्र भी स्मृति में रहे। सभी ने स्नेह का अनुभव आज विशेष किया ना, मेहनत लगी? बाबा कहते हैं, अनुभव करने में मेहनत लगी, सहज हो गया ना। स्नेह ऐसी शक्ति है जो सब कुछ भुला देती है,
न देह याद आती, न देह की दुनिया याद आती, स्नेह मेहनत से छुड़ा देता है। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत नहीं होती है। स्नेह सदा सहज बाप दादा का हाथ अपने ऊपर अनुभव कराता है। अंडरलाइन, स्नेह सदा बाप दादा का हाथ अपने सिर पर अनुभव कराता है। स्नेह छत्र छाया बन माया जीत बना देती है। कितनी भी बड़ी समस्या रूपी पहाड़ हो, स्नेह पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देता है। बाबा स्नेह में प्राप्ति बता रहे हैं कि जहाँ अटूट स्नेह है वहाँ स्नेह छत्र छाया बन जाता है। बड़े से बड़ी परिस्थिति रूपी पहाड़ को भी हल्का पानी बना देता है। तो स्नेह में रहना आता है ना, आज रह कर देखा ना, कुछ याद रहा नहीं रहा ना। बाबा बाबा और बाबा एक ही याद में लवलीन रहे। तो बाप दादा कहते हैं, और कोई पुरुषार्थ नहीं करो, स्नेह के सागर में समा जाओ। बाबा कहते, और कोई पुरुषार्थ नहीं करो, सिर्फ स्नेह के सागर में बाबा में समाए रहो। समाना आता है, कभी कभी बच्चे स्नेह के सागर में समाते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय समाया फिर बाहर निकल आते हैं। अभी अभी कहेंगे बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, और अभी अभी बाहर निकले तो बातों में लग जाते हैं। बस सिर्फ थोड़ी सी जैसे कोई डुबकी लगा के निकल आते हैं ना, ऐसे स्नेह में समाया, डुबकी लगाई, निकल आए, समाए रहो। बाबा कहते हैं, ऐसे डुबकी लगा कर निकल नहीं आओ, स्नेह में समाए रहो। तो स्नेह की शक्ति सबसे सहज मुक्त कर देंगी। सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म के आदि का अनुभव स्नेह ने ब्राह्मण बनाया। बाबा कहते हैं, सभी ब्राह्मण बच्चों का विशेष क्या अनुभव रहा कि स्नेह ने ब्राह्मण बनाया, स्नेह ने बाबा का बनाया, परिवार का बनाया, स्नेह ने परिवर्तन किया। अपने जन्म के आदि समय का अनुभव याद है ना, ज्ञान और योग तो मिला लेकिन स्नेह ने आकर्षित कर बाप का बनाया। अगर सदा स्नेह की शक्ति में रहो तो सदा के लिए मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। बाबा कहते, सदा स्नेह की शक्ति में रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। वैसे भी मुक्ति वर्ष मना रहे हो ना, तो मेहनत से भी मुक्त उसका साधन है स्नेह में समाए रहो। स्नेह का अनुभवी सभी हो ना या नहीं है, अगर किसी से भी पूछेंगे कि बाप दादा से सबसे ज्यादा स्नेह किसका है, तो सभी हाथ उठाएंगे, मेरा है। तो सभी ने हाथ हिलाया बाप दादा के सामने। बाबा कहे, साइलेंस का हाथ उठाओ, आवाज वाला नहीं। तो बाप दादा आज यही कहते हैं कि स्नेह की शक्ति सदा कार्य में लगाओ, स्नेह है ना। बाबा पूछ रहे हैं, बाबा से अटूट स्नेह है ना, योग लगाते हो देह भूल जाए, देह की दुनिया भूल जाए, माया जीत बनो। जब स्नेह के छत्र छाया में रहेंगे तो स्नेह के छत्र छाया के अंदर माया नहीं आ सकती है। स्नेह के सागर के बाहर आते हो ना तो माया देख लेती है और अपना बना लेती है, निकलो नहीं। बाबा कहते हैं, स्नेह के सागर में समाए रहो, उससे बाहर नहीं निकलो तो माया की नजर आप पर नहीं पड़ेगी, समाए रहो। स्नेही कोई भी कार्य करते हुए स्नेही को नहीं भूल सकता। स्नेह में खोया हुआ हर कार्य करता तो जैसे आज के दिन खोए रहे, ऐसे सदा स्नेह में नहीं रह सकते हो क्या? बाबा कहते हैं, जैसे विशेष 18 जनवरी विशेष पुरुषार्थ करते हैं, विशेष अनुभूति करते हैं, तो क्या ऐसी अनुभूति ऐसा पुरुषार्थ रोज नहीं कर सकते हैं? स्नेह सहज ही समान बना देगा, क्योंकि जिसके साथ स्नेह है उसके जैसा बनना यह मुश्किल नहीं होता है। ब्रह्मा बाप से दिल का प्यार है, ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है। सदा एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की सकाश देते रहते हैं। जैसे पास्ट जीवन में एक एक रतन को देखते, हर एक रतन के मूल्य को जानते, विशेष कार्य में लगाते, ऐसे अभी भी एक एक रतन को विशेष रूप से विशेषता को कार्य में लगाने का सदा संकल्प देते रहते और हर एक के विशेषता की वाह वाह गाते। अर्थात बाबा कहते हैं, जैसे साकार बाबा जौहरी थे तो एक एक रतन की वैल्यू जानते थे, ऐसे आदि में भी बाबा ने हर एक बच्चे की विशेषता को जानकर विशेष कार्य में लगाया। ऐसे बाबा का अभी भी यही संकल्प रहता है,
और हर एक बच्चे के विशेषता को देखकर वाह वाह के गीत गाते रहते, वाह मेरे अमूल्य रतन। कई बच्चे सोचते हैं कि ब्रह्मा बाप वतन में क्या करते हैं। बच्चे कहते हम तो यहाँ सेवा करते रहते और ब्रह्मा बाप वहाँ वतन में क्या करते। लेकिन बाप कहते हैं जैसे साकार रूप में सदा बच्चों के साथ रहे, ऐसे वतन में भी रहते हैं। बच्चों के साथ ही रहते हैं, अकेले नहीं रहते। बच्चों के बिना बाप को भी मजा नहीं आता। जैसे बच्चों को बाप के बिना कुछ सूझता नहीं, ऐसे बाप को भी बच्चों के बिना और कुछ नहीं सूझता। तो बाबा कहते हैं वतन में भी बाबा बच्चों के साथ ही होते हैं। बाबा वतन में बच्चों को इमर्ज करते हैं और उनके साथ रूह रिहान करते, अकेले नहीं रहते हैं, साथ में रहते हैं। साकार में तो साथ का अनुभव साकार रूप में थोड़े बच्चे कर सकते थे, अब तो अव्यक्त रूप में हर एक बच्चे के साथ जिस समय चाहे जब चाहे साथ निभाते रहते हैं। जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना, उन्होंने एक एक गोपी के साथ कृष्ण को दिखाया, लेकिन यह इस समय का गायन है। बाबा स्नेह का विजुअलाइज करा रहे हैं कि जैसे बच्चों की स्मृति में बाबा हैं, ऐसे बाबा की स्मृति में भी बच्चे रहते हैं। इसलिए एक एक गोप गोपी के साथ श्री कृष्ण को दिखाते हैं। यह गायन अभी का है। अब अव्यक्त रूप में हर एक बच्चे जब चाहे, चाहे रात को 2 बजे 2:30 बजे किसी भी टाइम साथ निभाते रहते हैं। साकार में तो सेंटर पर चक्कर लगाना कभी कभी होता, लेकिन अब अव्यक्त रूप में तो पवित्र प्रवृत्ति में भी चक्कर लगाते हैं। बाप को काम ही क्या है, बच्चों को समान बना के साथ ले जाना, यही तो काम है ना, और क्या है, इसी में ही बिजी रहते हैं। बाबा कहते हैं वतन में बाबा समान बनाने में ही बिजी रहते हैं। बच्चों को वतन में बुलाते हैं और विशेष अनुभूतियां कराते हैं। तो आज के दिन बाप दादा बच्चों को विशेष मेहनत से मुक्त भाव का वरदान देते हैं। कोई भी कार्य करो तो डबल लाइट बनकर के कार्य करो, तो मेहनत मनोरंजन अनुभव करेंगे, क्योंकि बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना, युद्ध करना, हार और जीत का खेल करना, यह अच्छा नहीं लगता। तो मुक्त वर्ष मना रहे हो ना, मना रहे हो या मेहनत में लगे हुए हो, आज के दिन विशेष यह वरदान याद रखना। कौन सा? मेहनत से मुक्त भव। यह संगम युग मेहनत से मुक्त होने का युग है, मौज में रहने का युग है। अगर मेहनत है तो मौज नहीं हो सकती है। एक ही युग परम आत्मा और आत्मा का मौज मनाने का युग है। बाबा कहते हैं एक ही युग मिलता है आत्मा को परमात्मा के साथ मौज मनाने का। इसलिए मेहनत नहीं करो, स्नेह में समाये रहो, मोहब्बत में समाये रहो। आत्मा परमात्मा के स्नेह का युग है, मिलन का युग है। तो दृढ़ संकल्प करो कि आज से मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। अंडरलाइन, तो दृढ़ संकल्प करो कि आज से मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। होंगे ना? बाबा पूछ रहे हैं मेहनत से मुक्त होंगे ना? फिर ऐसे नहीं यहाँ तो हाथ उठाओ और वहाँ जाकर कहो क्या करे कैसे करे, क्योंकि बाप दादा के पास हर एक बच्चे के दृढ़ संकल्प करने का पूरा फाइल है। बाप दादा कभी बच्चों का फाइल देखते हैं, बार बार दृढ़ संकल्प किया है ना, जब से जन्म लिया और अब तक कितने बार संकल्प किया, यह करेंगे यह करेंगे, लेकिन उसको पूरा नहीं किया है। बाबा कहते हैं बच्चे जो संकल्प लेते हैं उसका फाइल बाबा के पास रहता है कि कितने संकल्प पूरे किए और कितने नहीं किए। रूह रिहान बहुत अच्छी करते हैं, बाप दादा को भी खुश कर देते हैं। जैसे जिज्ञासु को प्रभावित कर देते हैं ना, तो बाप दादा को भी प्रभावित तो कर देते हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प का प्रभाव थोड़ा समय रहता है, सदा नहीं रहता। तो बाप दादा का फाइल तो बढ़ता जाता है। जब भी कोई फंक्शन होता है तो बाप दादा की फाइल में एक प्रतिज्ञा पत्र तो जमा हो ही जाता है, इसलिए बाप दादा लिखते नहीं हैं। बाबा कहते हैं बच्चे हमेशा ही दृढ़ संकल्प करते रहते हैं और बाबा के पास संकल्पों का फाइल जमा होता जाता है। बाबा कहे आज भी सभी संकल्प तो कर रहे हैं, अभी तक चलता है, फाइल में कागज कब तक रहता है, बाप भी देखते रहते हैं। बच्चों का बाप समान बनना और फाइल खत्म होके फाइनल हो जाएंगे।
अभी तो ढेर के ढेर फाइल है, तो सिर्फ स्नेह में डूबे रहो, स्नेह के सागर से बाहर नहीं निकलो। ब्रह्मा बाप से दिल का स्नेह है ना, तो स्नेह को कॉपी करना मुश्किल नहीं होता है। स्नेह के लिए कहते भी हो कि जहाँ स्नेह है वहाँ जान भी कुर्बान हो जाती है। बाबा कहते जहाँ स्नेह है वहाँ जान भी कुर्बान करने में देरी नहीं करते। बाप दादा तो जान को कुर्बान करने के लिए नहीं कहते, पुराना जहान कुर्बान कर दो। अंडरलाइन, बाप दादा जान को कुर्बान करने के लिए नहीं कहते हैं, पुराना जहान कुर्बान कर दो। इसकी फाइनल डेट फिक्स करो। और फंक्शन की डेट तो फिक्स करते हो, 20 तारीख है, 24 तारीख है, इसकी डेट कब फिक्स करेंगे? तो बच्चों ने कहा कि इसकी डेट बाप दादा फिक्स करें। तो बाबा कहे बाप दादा कब शब्द कहते ही नहीं है, अब कहते हैं। बाप दादा कब पर छोड़ते हैं क्या, अब कहता है। जो करना है वो अब करो, लेकिन बाप दादा तो समर्थ है ना, तो समर्थ के हिसाब से अब कहेंगे। बच्चे कब कब की आदत में हिरे हुए हैं, इसलिए बाप दादा बच्चों को कहते हैं कि यह डेट कब फिक्स करेंगे। आप भी कब कब कहते हैं तो बाप भी कब कहते हैं। अभी समय प्रमाण सबको बेहद के वैराग वृत्ति में जाना ही होगा। बाबा कहे अभी समय प्रमाण सबको बेहद के वैराग वृत्ति में जाना ही होगा, तब बाबा कहते हैं फाइनल डेट आएंगी। लेकिन बाप दादा समझते हैं कि बच्चों का समय शिक्षक नहीं बने, जब बाप शिक्षक हैं तो समय पर बनना, यह समय को शिक्षक बनाना है, उसमें मार्क्स कम हो जाती हैं। अभी भी कई बच्चे कहते हैं समय सिखा देगा, समय बदल देगा। समय के अनुसार तो सारे विश्व की आत्माएं बदलेंगी, लेकिन आप बच्चे समय का इंतजार नहीं करो, समय को शिक्षक नहीं बनाओ। आप विश्व के शिक्षक के मास्टर विश्व शिक्षक हो, रचता हो। समय रचना है तो हे रचता आत्माएं, रचना को शिक्षक नहीं बनाओ। बाबा कहते हैं हे रचता आत्माएं, रचना समय को शिक्षक नहीं बनाओ। ब्रह्मा बाप ने समय को शिक्षक नहीं बनाया, बेहद का वैराग्य आदि से अंत तक रहा। आदि में देखा इतना तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, लेकिन जरा भी लगाव नहीं रहा। तन के लिए सदा नेचुरल बोल यही रहा, बाबा का रथ है, मेरा शरीर है नहीं, बाबा का रथ है, बाबा के रथ को खिलाता हूँ, मैं खाता हूँ नहीं। तन से भी बेहद का वैराग्य, मन तो मन मना भाव था ही, धन भी लगाया, लेकिन कभी यह संकल्प भी नहीं आया कि मेरा धन लग रहा है, कभी वर्णन भी नहीं किया कि मेरा धन लग रहा है या मैंने धन लगाया। बाबा का भंडारा है, भोलानाथ का भंडारा है। धन को मेरा समझकर पर्सनल अपने प्रति एक रुपये की चीज भी यूज नहीं की। कन्याओं माताओं को विल किया, मेरा नहीं, समय श्वास अपने प्रति नहीं, उससे भी बेहद के वैरागी रहे। इतना सब कुछ प्रकृति दासी होते हुए भी कोई एक्स्ट्रा साधन यूज नहीं किया, सदा साधारण लाइफ में रहे, कोई स्पेशल चीज अपने कार्य में नहीं लगाई। वस्त्र तक एक ही प्रकार के वस्त्र अंत तक रहे, चेंज नहीं किया। बच्चों के लिए मकान बनाए लेकिन स्वयं यूज नहीं किया, बच्चों के कहने पर भी सुनते हुए उपराम रहे, सदा बच्चों का स्नेह देखते हुए भी यही शब्द रहे, सब बच्चों के लिए है। तो इसको कहा जाता है बेहद की वैराग वृत्ति प्रत्यक्ष जीवन में रही। बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि ब्रह्मा बाबा बेहद के वैरागी कैसे बने, ऐसे बच्चों को भी फॉलो करना है। अंत में देखो बच्चे सामने हैं, हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन लगाव नहीं रहा, बेहद की वैराग वृत्ति। स्नेही बच्चे, अनन्य बच्चे सामने होते हुए भी फिर भी बेहद का वैराग रहा। सेकंड में उपराम वृत्ति का, बेहद के वैराग्य का सबूत देखा। एक ही लगन, सेवा सेवा और सेवा, और सभी बातों से उपराम। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा को सदा यही लगन रही कि सेवा सेवा और सेवा, चाहे तन से सेवा, मन से सेवा, धन से सेवा, समय संकल्प श्वास में भी सेवा सेवा ही रहा। इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। अभी समय प्रमाण बेहद के वैराग वृत्ति को इमर्ज करो। बिना बेहद के वैराग वृत्ति के सकाश की सेवा हो ही नहीं सकती। फॉलो फादर, साकार में ब्रह्मा बाप रहा,
निराकार की तो बात छोड़ो, साकार में सर्व प्राप्ति का साधन होते हुए, सर्व बच्चों की जिम्मेवारी होते हुए, सर्कमस्टांसेस समस्याएं आते हुए पास हो गए ना, पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले लिया। विशेष कारण बेहद की वैराग वृत्ति, अभी सूक्ष्म सोने की जंजीरों के लगाव बहुत महीन, सूक्ष्म लगाव बहुत है। कई बच्चे तो लगाव को समझते भी नहीं है कि यह लगाव है, समझते हैं यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, मुक्त होना है नहीं, लेकिन ऐसे तो चलता ही है। बाबा कहते हैं लगाव से मुक्त होने का संकल्प बच्चों का रहता ही नहीं है, क्योंकि उसको लगाव समझते ही नहीं है, इसलिए मुक्त होने का भी संकल्प नहीं आता। अनेक प्रकार के लगाव बेहद के वैरागी बनने नहीं देते, चाहना है बने, संकल्प भी करते हैं बनना ही है, लेकिन चाहना और करना दोनों का बैलेंस नहीं है। चाहना ज्यादा है, करना कम है, करना ही है, यह बेहद की वैराग वृत्ति अभी इमर्ज नहीं है। बीच बीच में इमर्ज होती है, फिर मर्ज हो जाती है। समय तो करेगा लेकिन पास विद ऑनर नहीं बन सकते, पास होंगे लेकिन पास विद ऑनर नहीं। समय की रफ्तार तेज है, पुरुषार्थ की रफ्तार कम है। मोटा मोटा पुरुषार्थ तो है लेकिन सूक्ष्म लगाव में बंध जाते हैं। बाप दादा जब बच्चों के गीत सुनते हैं, उड़ आए तो सोचते हैं उड़ा तो ले, लेकिन लगाव उड़ने देंगे या न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। बाबा कहते हैं अभी लगाव है और बाबा अपने पास उड़ाकर ले जाए तो ना वहाँ के रहेंगे न यहाँ के रहेंगे, इसलिए बाबा कहते हैं स्वयं ही समय के पहले लगाव मुक्त होना है। अभी समय प्रमाण लगाव मुक्त बेहद के वैरागी बनो, मन से वैराग हो। प्रोग्राम प्रमाण वैराग जो आता है वह अल्पकाल का होता है। चेक करो अपने सूक्ष्म लगाव को, मोटी मोटी बातें अभी खत्म हुई है। कुछ बच्चे मोटे मोटे लगाव से मुक्त है भी, लेकिन सूक्ष्म लगाव बहुत सूक्ष्म है जो स्वयं को भी चेक नहीं होता है, अर्थात स्वयं को भी मालूम नहीं पड़ता है। तो बाबा कहते हैं चेक करो, अच्छी तरह से चेक करो, संपूर्णता के दर्पण में लगाव को चेक करो। बाबा कहते हैं संपूर्णता के दर्पण में लगाव को चेक करो, यही ब्रह्मा बाप के स्मृति दिवस की गिफ्ट ब्रह्मा बाप को दो। प्यार है ना तो प्यार में क्या किया जाता है, गिफ्ट देते हैं ना तो यह गिफ्ट दो। बाबा कहते हैं कौन सी गिफ्ट देंगे बच्चे, लगाव मुक्त होने की। छोड़ो सब किनारे छोड़ो, बाबा कहते हैं छोड़ो सब किनारे छोड़ो, मुक्त हो जाओ। बाप दादा खुश भी होते हैं कि बच्चों में उमंग उत्साह उठता है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे स्व उन्नति के संकल्प भी करते हैं। अभी उन संकल्पों को करके दिखाओ। अच्छा आज विशेष टीचर्स का संगठन इकट्ठा हुआ है, सेवा का टन यह उत्सव रखा जाता है। बाप दादा खुश होते हैं कि बच्चों को सेवा का फल मिल रहा है, वह मना रहे हैं, मना रहे हैं, खा रहे हैं, सेवा में नंबरवार सफल हो रहे हैं और रहते रहेंगे। अच्छा चारों ओर देश विदेश के स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को, सदा बाप के स्नेह के सागर में समाये हुए रहने वाले अति समीप आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को स्वयं में धारण करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा मेहनत मुक्त हो मौज में रहने वाली परमात्मा प्यार में उड़ने वाली आत्माओं को, बाप समान बनने के संकल्प को साकार में लाने वाले दिलाराम बाप के दिल में समाये हुए बच्चों को, विशेष आज के दिन ब्रह्मा बाप की पदम गुणा याद प्यार स्वीकार हो। बाप दादा तो सदा बच्चों के दिल में रहता है, वतन में रहते भी बच्चों के दिल में रहते हैं, तो ऐसे दिल में समाने वाले बच्चों को बाप दादा का स्नेह के मोतियों की थालियां भर भर कर याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले प्यारे बाप दादा को भी स्नेह भरी याद प्यार, स्नेह और सम्मान भरा याद प्यार और नमस्ते। आज बाबा ने वरदान दिया, संकल्प रूपी बीज को सदा समर्थ बनाने वाली ज्ञानी तो आत्मा भव, संकल्प रूपी बीज को सदा समर्थ बनाने वाली ज्ञानी तो आत्मा भव। स्पष्टीकरण है ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ ज्ञान स्वरूप बनो,
ज्ञान स्वरूप अर्थात जिनका हर संकल्प बोल और कर्म समर्थ हो, व्यर्थ समाप्त हो जाए। जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ नहीं हो सकता। जैसे प्रकाश और अंधियारा साथ साथ नहीं रहता, तो ज्ञान प्रकाश है, व्यर्थ अंधकार है। इसलिए ज्ञानी तो आत्मा माना हर संकल्प रूपी बीज समर्थ हो। जिनके संकल्प समर्थ हैं, उनकी वाणी कर्म संबंध सहज ही समर्थ हो जाते हैं। जिनके संकल्प समर्थ हैं, उनकी वाणी कर्म संबंध सहज ही समर्थ हो जाते हैं। आज का स्लोगन है, सूर्य वंश में जाना है तो योगी बनो योद्धे नहीं। सूर्य वंश में जाना है तो योगी बनो योद्धे नहीं। आज विशेष सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावर्त संगठित रूप में सायं 6:30 बजे से 7:30 बजे तक विशेष अपने आकारी फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो। डबल लाइट फरिश्ता बन बाप दादा के साथ विश्व परिक्रमा लगाते हुए सर्व को सकाश देने की सेवा करें। फिर से, विशेष अपने आकारी फरिश्ते रूप में स्थित हो। डबल लाइट फरिश्ता बन बाप दादा के साथ विश्व परिक्रमा लगाते हुए सर्व को सकाश देने की सेवा करें। और आज का विशेष पुरुषार्थ है, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। बाबा कहे, डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने से लौकिक जिम्मेवारी कभी थकाएंगी नहीं, क्योंकि ट्रस्टी हो। ट्रस्टी को क्या थकावट, अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है, अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। बिल्कुल न्यारे और प्यारे बालक सो मालिक। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।